नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ये पराठे। क्योंकि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है कि उसके हिसाब से हरी सब्जियां बहुत आने लगी हैं, तो हमने सोचा ताज़ी मेथी के और बथुआ के पराठे बनाए जाएं, जो कि हम इनको बिना बॉयल करे ही बनाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी और तीखे चटपटे पराठे बनते हैं, तो आइए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मेथी ले ली है, जिसको मैंने अच्छे से तोड़ लिया है, इसको मतलब साफ़ कर लिया है, और मेथी को अच्छे से कट करके दो से तीन बार धो लेंगे। इसी तरह मैंने बथुए के भी साफ़ कर लिए, यानी तोड़ लिया है, और इसकी पत्ती पत्ती ले ली है मैंने भी, और इसको भी धो के अच्छे से कट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, और इसमें डालेंगे हम ये बथुआ, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, और अच्छे से दो से तीन बार मैंने इसको धो लिया है। क्योंकि 250 ग्राम ये हमारा बथुआ है, इसी के हिसाब से मैंने एक कटोरी हम आटा ऐड करेंगे गेहूं का। अब इसमें ऐड करूंगी मैं एक चम्मच हरी मिर्ची, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और एक चम्मच इसमें ऐड करूंगी लहसुन। आप चाहे कट करके ले सकते हो बारीक, या इसको थोड़ा सा कूट कर भी ले सकते हो। और अगर लहसुन आप खाना पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हो, पर क्या कि लहसुन से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि आधा चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार ही लेंगे। और नमक ऐड करने के बाद में इसमें ऐड करूंगी मैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसकी भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो पराठे हम बना रहे हैं थोड़े ना चटपटे ही अच्छे लगते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पानी हम इसमें जब ही ऐड करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी, और वो भी थोड़ा थोड़ा, एकदम पानी नहीं, क्योंकि ये जो बथुआ हमने इसमें डाला है ना, ये अपना मॉइस्चर अपना छोड़ता है ये, और थोड़ा ये धोने के बाद में गीला भी हो जाता है, तो इसलिए पानी हमें ज़रूरत होगी, तो ज़रूरत के हिसाब से पानी इसमें ऐड करेंगे। पहले जितना होगा पहले हम इसको आटे को सीमे थोड़ा सा मारने की कोशिश करेंगे। और अब क्या करेंगे, अब इसमें पानी डालेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, और इसका एक डो लगा के तैयार कर लेते हैं, जैसे हम पुड़ियों के लगाते हैं ना डो, बस ऐसी तरह का डो लगकर हमारा तैयार है। इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, जिससे कि आटा अच्छे से फूल के हमारा सेट हो जाए, क्योंकि अभी तुरंत इसके पराठे हम बनाएंगे ना, तो किनारियाँ इसकी फटने लगेंगी। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, देखिए आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है, और बिल्कुल हमने ऐसे मारा था पूड़ियों की तरह। तो आइए इसकी एक लोई बना के, और ये मैंने आटे में थोड़ा सा इसको डस्ट कर लिया है, और इसकी थोड़ा सा बेलने के बाद में, और इसमें लगा देंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल लगाने के बाद में इसको परत वाला पराठा बनाएंगे, जो कि बथुए से हम बना रहे हैं। और फिर इसको हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, और इसको हम बेल लेते हैं। और ये पराठा बेलकर हमारा तैयार है, देखिए बिल्कुल किनारे साइड से नहीं फटी है। और अब मेरा तवा गर्म हो गया है, पराठे को मैं डाल देती हूँ। ये पराठा मैंने पलट दिया है, और ये एक साइड से थोड़ा पच गया है, और अब मैं इसमें लगा दूँगी रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो, या वनस्पति घी का भी, पर मैं इसको रिफाइंड ऑयल से ही हम सेकेंगे, क्योंकि जो पराठे होते हैं ना कच्ची मेथी के या कच्चे बथुए के, जो हम जो बना रहे हैं, थोड़ा रिफाइंड से ही ज़्यादा इनमें टेस्ट आता है। और मैं इसी तरह बनाती हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पराठे बनते हैं, आप चाहे चटनी के साथ, चाहे सब्जी के साथ, चाहे ना खाली चाय के साथ ही खाओगे ना, फिर भी बहुत टेस्टी बन लगते हैं, क्योंकि ये चटपटे और तीखे जो बनते हैं। और मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें रख सकते हो। और मैं इसी तरह से इनको सेक लेते हैं क्रिस्पी होने तक। देखिए पराठा सेक कर एकदम हमारा तैयार है, और सारे पराठे इसी तरह से हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। और आइए इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये मैं पराठा और डाल देती हूँ, सारे पराठे इसी तरह सेक। हमारे बथुआ के पराठे सेक कर तैयार हैं। ये एक कटोरी गेहूं का आटा लेंगे हम, और अब इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम मेथी, जिसको मैंने धो के अच्छे से कट कर लिया है। एक कटोरी गेहूं का आटा, तो उसी के हिसाब से हमने ये मेथी ऐड करेंगे। और अब इसमें ऐड करूँगी एक चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, आप चाहो तो इसको कूट के भी डाल सकते हो। एक चम्मच हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और आधा चम्मच जाएगा नमक स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच डालेंगे इसमें रेड चिली फ्लेक्स। बस इसको आधा चम्मच ही हम ऐड करेंगे, इससे क्या कलर थोड़ा अच्छा आएगा हमारे पराठों में, और इसमें जाएगी हींग, क्योंकि
पराठों में हींग का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है और हींग थोड़ा डाइजेशन का भी काम करती है। और अब मैं क्या करूँगी, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी हम जब इसमें ऐड करेंगे जब हमें इसमें ज़रूरत होगी। और पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसका एक हम पूरियों की तरह डो लगा लेंगे, सेम जैसे हमने बथुए के आटा का लगाया था ना, बस उसी तरह से इसका हमें आटा तैयार। ये मेथी का आटा भी लगकर हमारा तैयार है, इसको भी थोड़ा 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे जैसे फूल के आटा अच्छे से तैयार हो जाए। 10 मिनट हो चुके, मेथी का आटा भी हमारा सेट है। इसमें से एक लोई ले लेते हैं और एक छोटी सी इसकी इसको बेल लेते हैं, बेल लगवाते हैं, रिफाइंड ऑयल लगा के इसको इस तरह से बंद कर देते, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको बेल सकते हो। और इसका वो पराठा बेल लेते हैं, बेलने के बाद में और इसको भी मैं ऐसे ही बेल लेते जैसे हमने भथुआ के पराठे बेले थे ना, वो थोड़े हमने फोल्ड करके बेले थे, इसको मैं ऐसे ही गोल शेप में बेलूँगी इसको मैं। ये हमारा बेल, इसको सेक लेते हैं। ये पराठा मैंने तवे पर डाल दिया है और मेथी के पराठे से हम ऐसे ही सेक लेते जैसे हमने भथुआ के पराठे सेके थे। ये हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। ये हमारे भथुआ के पराठे हैं, ये हमारे मेथी के पराठे हैं। आप चाहें सब्ज़ी के साथ खाइए और चाहें अचार के साथ खाइए, चाहें आप ऐसे चाय के साथ खाइए, सबके साथ ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहे बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, चाहे अपने ऑफिस के लंच बॉक्स में भी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है, और जो लोग मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।